How to learn machine learning in 2024? ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा डाउट होता है कि मशीन लर्निंग किस तरीके से सीखना होगा, मशीन लर्निंग के लिए क्या क्या कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी, मशीन लर्निंग कौन सीख सकता है, मशीन लर्निंग के लिए स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल स्किल्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मशीन लर्निंग का क्या स्कोप होगा 2024 में, मशीन लर्निंग कर लेंगे इससे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स या बहुत सारे क्वेश्चंस चलते होंगे, ठीक है, आप लास्ट तक ये वीडियो देखिए, इसके अंदर मैं सभी टाइप के डाउट्स आपके सॉल्व करूंगा। मशीन लर्निंग के लिए कोई भी ऐसा टेक्निकल डिग्री की जरूरत नहीं है। आप यदि नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, फॉर एग्जांपल आपने BCA कर रखा है, BCom कर रखा है, BSc कंप्यूटर साइंस कर रखा है, BSc प्लेन मैथमेटिक्स से भी आप हो, ठीक है, MSc मैथमेटिक्स से हो, MCom कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम से यदि आप हो तो आप मशीन लर्निंग सीख सकते हो, क्योंकि मशीन लर्निंग के लिए जो सबसे प्री कंडीशन है वो ये है कि आपका मैथमेटिकल स्किल्स अच्छा होना चाहिए। मैथमेटिकल्स के अंदर तीन टॉपिक्स आपके अच्छे होने चाहिए, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये तीनों चीजें। और मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है कि आपको MSc लेवल का या BSc लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ना है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना है, ठीक है, आपको पूरा का पूरा लैप्लेस एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करना है, इतने बड़े बड़े जो डेरिवेशंस आप पढ़ते थे उनको, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10th क्लास तक का मैथमेटिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, जिसमें आपका लीनियर अलजेब्रा बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और तीसरा आपका है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये अच्छे से आना चाहिए, इसमें कंप्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन क्या होता है, इतना आप अच्छे से भी कर लेंगे, ये इतना मैथमेटिक्स आपके लिए इनफ, ठीक है। अब सेकेंड स्किल्स मैं आपको बताता हूँ मशीन लर्निंग के लिए, वो है पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज जो है वो अभी IT इंडस्ट्री के अंदर सबसे आसान लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कोई डायरेक्टली बिना कोई दूसरी लैंग्वेज सीखे हुए डायरेक्टली पाइथन सीख सकता है, और पाइथन को सीखना बिल्कुल सिंपल है। बहुत सारे आपको कंटेंट पाइथन को सीखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, आपको इंटरनेट के अंदर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, और आजकल तो AI का जमाना है, आप AI से भी पाइथन सीख सकते हो। पाइथन पूरा नहीं सीखना है आपको, पाइथन के अंदर पहले आपको पाइथन फाउंडेशन सीखना है, मतलब कोर पाइथन सीखना है, जिसमें लूप कैसे चलाते हैं, इफ एल्स कैसे चलाते हैं, ठीक है, ऊप्स कंसेप्ट इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। इसके बाद आपको थोड़ा बहुत यदि आपको एडवांस में जाना है तो लिस्ट के अंदर, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, मतलब डेटा स्ट्रक्चर का जो पार्ट है ना वो बहुत अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है, साथ ही साथ आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है ये सब चीजें भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको पाइथन की कुछ लाइब्रेरी पढ़नी है जो डेटा साइंस से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको NumPy मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है, थोड़ा सा SciPy एडवांस मैथमेटिकल, SciPy यदि आप कम भी पढ़ोगे तब भी चलेगा, ठीक है, मतलब बाकी NumPy अच्छे से पढ़िए, पांडास अच्छे से पढ़िए और मैटप्लॉटलिब अच्छे से पढ़िए। ये तीन लाइब्रेरी आपको पढ़नी है डेटा साइंस की, ठीक है, मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है। अब फोर्थ स्टेज में क्या होगा, अब इसके बाद आप डायरेक्टली मशीन लर्निंग पे आ सकते हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा डेटा प्रोसेसिंग के बारे में भी आप पढ़िए कि एक्सेल के डेटा को कैसे रीड करते हैं, एक्सेल में कैसे राइट करते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, साथ में CSV का डेटा कैसे रीड करते हैं, CSV में कोई भी पर्टिकुलर कॉलम और CSV के अंदर आपका डेटा जो रहेगा उसको किस तरीके से अपन पांडास के थ्रू एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, तो मतलब थोड़ा सा एक्सेल CSV इनके बीच में डेटा को कैसे अपन ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे उसके अंदर किसी पर्टिकुलर रो को अपन फेच करते हैं, कैसे स्प्लिटिंग करते हैं, इस पे थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छे से सीखना होगा। उसके बाद आपको मशीन लर्निंग 100% समझ में आएगी। यदि आपने ये सभी एक्सरसाइज कर लिया तो मशीन लर्निंग हर बंदे को समझ में आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कंप्लेन यही होती है कि मशीन लर्निंग जैसे आप पहुंचते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। मतलब मशीन लर्निंग के अंदर अभी की स्थिति बताता हूं कि यदि कोई भी स्टूडेंट मशीन लर्निंग, मतलब 90% जो स्टूडेंट है ना मशीन लर्निंग उनको ऊपर से जाता है, 10% को समझ में आ रहा है। उसका रीजन मैं बता रहा हूं क्योंकि वो जो मशीन लर्निंग के लिए जो प्री कंडीशन है, जो प्रीरिक्विस्टीज है, जो आपको मशीन लर्निंग से पहले पढ़नी चाहिए वो आप, कुछ लोग तो इतने भी महाप्रभु हैं, महान हैं कि डायरेक्टली मशीन लर्निंग पढ़ना चालू कर देते हैं, मतलब वो सीधे जाएंगे मशीन लर्निंग के अंदर, सीधे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन, देखो ये थ्योरेटिकल नहीं है, ठीक है, मशीन लर्निंग इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल। तो मशीन लर्निंग पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको तीन टाइप के मशीन लर्निंग होते हैं, एक सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और एनफोर्समेंट। सुपरवाइज्ड के अंदर आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2 से 3 एल्गोरिथम पढ़ लो, जिसमें रिग्रेशन सबसे बेटर वे में है, कुछ आप क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम से पढ़ लीजिए, ठीक है, जैसे आपका पर्टिकुलर आपका SVM, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम्स आपको मिलेंगे, 5 एल्गोरिथम्स कोई सा भी आप पढ़ लीजिए सुपरवाइज्ड के, 5 एल्गोरिथम्स आप अनसुपरवाइज्ड के लिए पढ़ लीजिए, इतना आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है। एक साथ आप पढ़ने की ट्राई मत करिए, भले आपको मतलब एक एक एल्गोरिथम्स को आप अच्छे से मास्टर करिए, भले मैं तो बोलता हूँ 5 भी मत पढ़िए, 3-3 एल्गोरिथम पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए जिससे आपको ये एल्गोरिथम्स के बारे में पूरी चीजें पता हो। अब रिग्रेशन पढ़ना तो पहले आपको मैथमेटिक्स में लीनियर रिग्रेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप रिग्रेशन के अंदर के एल्गोरिथम्स पढ़िए, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको कंटेंट बता दिया किस तरीके से आपको गो थ्रू करना है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मशीन लर्निंग के बाद के अंदर कौन-कौन सी लाइब्रेरीज होती है। तो scikit-learn लाइब्रेरी आपको मशीन लर्निंग में सीखना होगा, टेंसरफ्लो भी आप सीख सकते हो, पाइटॉर्च भी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग के लिए,
ठीक है, इसके अंदर भी आप जा सकते हो। यदि आपको डीप लर्निंग के पार्ट में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप NLP में जा सकते हो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है आपका, इसके अंदर भी आप जा सकते हो। बाकी यदि आपको मशीन लर्निंग तक ही रहना है, इसमें आपको ये NLP और इनमें जाने की जरूरत नहीं है, आपको टेंसर फ्लो से और आपका साइकिट लर्न से आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि यदि आपको प्रेशर लेवल में इतना आपने मशीन लर्निंग कर रखा है ना, जितना इनफ है, आपको ज्यादा इनडेप्थ में जाना है, फिर एक प्रोजेक्ट ले लो और उस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी टाइप के एल्गोरिथम्स आपने पढ़े हैं उन सभी एल्गोरिथम्स के अंदर एफिशिएंसी निकालो कि उसमें कितनी एफिशिएंसी आ रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी रेशियो कितनी है, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो कांस्टेंट पैरामीटर्स होते हैं उनको आप इवेल्युएशन करिए। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मशीन लर्निंग कैसे, जैसे आप इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, वेदर फोरकास्टिंग का कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है, स्पाम फिल्टरिंग का प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन का प्रोजेक्ट बना सकते हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स आप बना करके देखिए तो इससे आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा। अब मैं बात करता हूँ मार्केट के अंदर, देखो मार्केट के अंदर अभी AI सबसे ज्यादा डिमांड में है। यदि आप मशीन लर्निंग सीखते हो तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो एज कम्पेयर टू वेब डेवलपमेंट या एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से भी ज्यादा जॉब अभी ओपनिंग होने वाली है मशीन लर्निंग में, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। मशीन लर्निंग यदि आपने सीखा है तो बाद में आप डेटा एनालिस्ट फील्ड के अंदर भी बहुत इजीली सीख करके, थोड़ा बहुत सीख करके, एक्सेल और डेटाबेस सीख करके आप डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए भी जा सकते हैं, ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और सैलरी तो आप मशीन लर्निंग की पूछिए मत, क्योंकि जितनी सैलरी आपका वेब डेवलपर्स के रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है उतना आप मशीन लर्निंग में 2 या 3 साल में गेट कर सकते हो यदि आपने बहुत अच्छे से सीख लिया। क्योंकि मशीन लर्निंग जो ML एक्सपर्ट होता है या मशीन लर्निंग के जो डेवलपर्स होते हैं इनकी सैलरी बहुत ज्यादा हाई रहती है और इसके अंदर आपको बहुत ही सेटिस्फैक्टरी जॉब भी मिलेगी, एक सिक्योर जॉब आपको मिलेगी। बड़ी बड़ी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है आजकल, तो स्टार्टअप भी जो नए स्टार्टअप है जो रिसर्च बेस्ड में काम करते हैं वो मशीन लर्निंग एक्सपर्ट को हायर कर रहे हैं। इवन जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मशीन लर्निंग और AI के डेवलपर्स को हायर कर रहे हैं, इसलिए ये आपके लिए बेटर होगा, बहुत ही सिक्योर होगा। थैंक यू।